वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की जा रही है। उसी के चलते बागली के ग्राम बामन खेड़ी में स्थित मन कलम वेयर हाउस पर सेवा सहकारी संस्थान द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की जा रही है, जहां पर विगत कुछ दिनों से गेहूं तुलाई में लापरवाही और अनियमितताओं को लेकर किसान नाराज हुए और उन्हें आखिरकार सड़क पर उतरना पड़ा और इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे मार्ग पर किसानों ने बैठकर चक्का जाम किया। लगभग 2 घंटे तक मार्ग पर वाहनों के पहिए थमे रहे। इसी दौरान नायब तहसीलदार अनिता बरेठा, थाना प्रभारी दीपक यादव सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची और किसानों की समस्या सुनी। इस दौरान बरेठा ने किसानों से चर्चा कर चक्का जाम खुलवाया और फ्लैट कांटे पर गेहूं तुलाई प्रारंभ की गई। किसानों का आरोप है कि केंद्र पर अव्यवस्थाओं के बीच गेहूं तुलाई की जा रही है, पर्याप्त हमाल नहीं है, ना ही पर्याप्त कांटों पर तुलाई की जा रही है। किसानों को 3-3 दिनों तक अपने नंबर का इंतजार करना पड़ रहा है। आदि मांगों को लेकर सभी किसानों ने हाईवे मार्ग पर ट्रैक्टर खड़े कर चक्का जाम किया था। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। अभी तक ट्राली नहीं चली और हिम्मत नहीं है, 7 दिन उसका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 7 दिन के बाद किसान खाली करेगा, वापस उसका श्राद्ध बुक कराएगा, फिर आएगा। एक्चुअली किसानों की समस्या थी कि वो 6-6 दिन से यहाँ पर खड़े हुए हैं और उनका गेहूं जो है वो फ्लैट कांटे से नहीं तुल रहा है, और इन लोगों को ये भी समस्या थी कि कुछ ज़्यादा गेहूं तोला जा रहा है। तो अभी बात करके फ्लैट कांटे से तुलाई स्टार्ट करवा दी है और काम शुरू करवा दिया। आज जो चक्का जाम किया हमने, ये गेहूँ समर्थन मूल्य में गेहूँ तुलाई को लेकर किया है। इसमें यहाँ पर चमकहीन गेहूँ पूरे ज़िले में नहीं तोले जा रहे हैं, किसानों से पैसे लिए जाते हैं और अधिक कांटे पर अधिक तोले जाते हैं, 500 ग्राम 600 ग्राम अधिक नमी के नाम पे लेते हैं। और मेन हमारी मांग है कि प्लेट कांटा चालू हो, बड़ा कांटा चालू हो, किसान को परेशान ना किया जाए और तुरंत, मतलब जैसे ही जिस दिन का स्लॉट है उनका, उसी दिन उनका गेहूं तुलना चाहिए। कितनी देर तक चक्का जाम किया है? एक घंटे तक किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।